बिलासपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बहतराई स्टेडियम पहुंचे हैं। पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव भी साथ में हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया समेत हजारों कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जो है वो बहतराई स्टेडियम पहुंचे हैं। बता दें कि राहुल गांधी अपने दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। नीरज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीरज, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जो हैं वो बहतराई स्टेडियम पहुंचे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम और कौन कौन से नेता और मौजूद हैं? जी बिल्कुल रोमिता, मैं बताना चाहूंगा कि दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, जिसमें आज बहतराई स्टेडियम में इनकी डायरेक्ट कार्यकर्ताओं के साथ संवाद की कार्यक्रम रखी गई थी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष टी एस सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल, पी एल पुनिया सहित वरिष्ठ नेता सब मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अपना संदेश देना चाहा, पर मंच से उनकी आवाज ना पहुंचने की वजह से, साउंड सिस्टम खराब होने की वजह से कार्यकर्ताओं को कुछ समझ भी नहीं आया और वे बार बार पूछते नजर आ रहे राहुल गांधी कि आप अपने प्रश्न को दोबारा कहिए कि आखिर आपने कहा क्या है, कहा क्या है। और अंतिम में 40 से 50 मिनट के अंदर में उनकी पूरी सभा को समाप्त हो गई है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।